ये है हमारी डुग्गू की फर्स्ट सर्विस का वीडियो जिसे मैं एडिट कर रहा हूँ, और ये रहा इसका बिल। बहुत तगड़ा बिल आया है, पहली सर्विस फ्री 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 बोलने के बावजूद भी अगर इतना बिल आ रहा है तो भाई साहब सोच लो कि इसको एक्सपेंसिव है मेंटेन करना, बहुत ही ज्यादा। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी वो है कि विंडशील्ड जब मैं चला रहा था तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी, स्पेशली तब बार बार ये हो रहा था कि मैं जैसे दबा रहा हूँ ना गियर, तो गियर स्लॉट नहीं हो रहा था और फिर एकदम से ढक करके लग जा रहा था। हाँ एंड सर, 95 अराउंड ड्राइव कर रहे थे डुगू को, तब एक दो बार मुझे ऐसा लगा कि जो हैंडल है वो बहुत तेज़ी से ऐसे ऐसे हुआ, मुझे फील हुआ। तो इसका कोई नट वगैरह लूज है या वाइब्रेशन की वजह से? जैसे यहाँ तक चला के लाया लेकिन पूरा ये जो हथेली है रेड हो गई, पता नहीं यहाँ पे ये हैंडल ऐसे मुड़ रहा है ऐसे मुड़। तो आज तो डुग्गू जी जो हैं वो गंदे ही खड़े हैं, क्योंकि वैसे भी सर्विस पे ही जा रहे थे, हर हर महादेव। तो हमने कहा इनको आज अच्छे से धुलवा पोछवा लाएं। क्या बात है यार, ये जो एक बार में स्टार्ट हो जाती है ना, जी खुश हो जाता है। से हम लोग निकल चुके हैं, इस टाइम पे हो रहा है 9:38, आज है डुगू का सर्विस डे। तो चलिए पहली सर्विस में ले चलते हैं, और मैंने इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करी हैं जिनके बारे में मैं आपको अब आगे बताऊंगा। तो आ गया हमारा महादेव का मंदिर, हर हर महादेव। आप लोगों को भी लगता होगा हर मोटर व्लॉग में जानबूझ के शायद यहाँ से निकलता हूँ हर हर महादेव। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी वो है कि विंडशील्ड जब मैं चला रहा था तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी, स्पेशली जब मैं लौट के आ रहा था। तो यहाँ से कहीं से ये लूज़ हो गई है या वाइब्रेशन ही ऐसे थे या हवा का ब्लास्ट थोड़ा ज़्यादा था, ये जाके मुझे उन्हें बताना है, क्योंकि विंडशील्ड पे वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, स्पेशली जब मैं 80-85 क्रॉस किया ना, तब ये विंडशील्ड को मुझे एक बार मैंने ऐसे करके देखा था कि भैया कहीं ढील ढाल ना हो गई हो। प्रॉब्लम नंबर टू जो मैंने फेस करी वो ये थी कि जब 50-60 किलोमीटर अपनी डुग्गू चल चुकी थी, यानी कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, तो जब ट्रैफिक आया ना स्टार्ट स्टॉप वाला अयोध्या में एंटर करते हुए, तब बार बार ये हो रहा था कि मैं जैसे दबा रहा हूँ ना गियर, तो गियर स्लॉट नहीं हो रहा था और फिर एकदम से ढक करके लग जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ना, पता नहीं वो गियर जो घूम रहा है वो क्यों सही गियर में टकिन नहीं हो रहा, फिर एकदम से टक करके लग जा रहा था। ये आ गया हमारा वर्ल्ड फेमस फास्ट एंड फ्यूरियस चौराहा, यानी चिनट चौराहा। यहाँ पे एज यूजुअल कोई भी कहीं से भी कभी भी आ सकता है, यहाँ से आपको गाड़ी को बहुत बचा के निकालना पड़ता है। कि जब हम 95 अराउंड ड्राइव कर रहे थे डुगू को, तब एक दो बार मुझे ऐसा लगा कि जो हैंडल है वो बहुत तेज़ी से ऐसे ऐसे हुआ, मुझे फील हुआ। तो इसका कोई नट वगैरह लूज है या वाइब्रेशन की वजह से या फैक्ट्री का कोई इशू है, ये जाके पता लगेगा। तो तीसरा वाला इशू मुझे बहुत ज़्यादा मेजर लगा, मतलब कि अगर वास्तव में बोल्ट वगैरह की वजह से ऐसा कुछ हुआ है तो भाई साहब लाइफ थ्रेटनिंग या बहुत सीरियस इंजरी भी हो सकती थी इस बड़े मेजर इशू से। चौथा इशू मैंने अब जो फेस करना शुरू करा है, स्पेशली जब डुगू लंबी चलानी शुरू कर दी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे यहाँ तक चला के लाया लेकिन पूरा ये जो हथेली है रेड हो गई, पता नहीं यहाँ पे ये हैंडल ऐसे मुड़ रहा है ऐसे मुड़ रहा है पता नहीं, लेकिन ये पूरी हथेली जो है रेड हो जा रही है, जबकि राइट साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा, अब अपनी डुग्गू में से पहले वो खोला जाएगा जो सम गार्ड है, क्योंकि वो लग रहा है। ओके, यहाँ पे तो वो होता है ना, फिल्टर होता है, ऑयल फिल्टर। चलो ये भी बढ़िया है, ये हर सर्विस में चेंज कर होगा ना, तब तक ऑयल फिल्टर चेंज होगा। ये भी ठीक है, ऑयल तो अच्छा निकला है, ब्लैक नहीं हुआ। नहीं, मेरे एक फ्रेंड की बुलेट थी, उसका ऑयल काला ही निकला था फर्स्ट सर्विस में। ऑयल फिल्टर ठीक है, चलिए ये निकल गया अपना ऑयल फिल्टर। अब नीचे वाला वो खोल रहे हैं भैया, अब नीचे से पूरा ऑयल ड्रेन होगा।
ऑयल तो निकले निकला, अब एयर फिल्टर निकाल रहे हैं भैया। ऑयल हल्का सा काला था, ये देखो बहुत ज़्यादा नहीं, अब एयर फिल्टर निकाल रहे हैं। हमारा नया ऑयल फिल्टर लग गया, अब इसकी रिंग्स वगैरह लगेंगी, यहाँ पे जो लगती है वो रिंग लगेगी इसमें, ये वाली लगा दी। मुझे सच में नहीं पता था इतनी बड़ी बैटरी इसमें ऐसे स्लाइड होके आ जाती है, देखना कितनी बड़ी बैटरी है ये। नो वंडर इसके सारे इलेक्ट्रिकल्स को पावर करने के लिए बैटरी इतनी बड़ी होनी चाहिए। तो इस साइड से बैटरी बाहर आती है, ये भी सही है। थोड़ी सी मेरी चेन ढीली थी ऐसा भैया बता रहे, तो यहाँ पे ये तीन से कम यहाँ पे ना मार्किंग है, अगर आप देख पा रहे हो इधर भी और इधर भी, एक तरीके से ना यहाँ पे अंदर मार्किंग बनी हुई है, ये देखो यहाँ पे ना ये रिंग, तो आपको आइडिया लग जाएगा आगे पीछे एडजस्टमेंट के हिसाब से, तो इसका ध्यान रखना। अब भैया खोल रहे हैं आगे वाला ब्रेक, क्योंकि इसके भी जो ब्रेक पैड्स वगैरह हैं उनका एडजस्टमेंट होना है कुछ। तो मैंने ये कंप्लेंट करी थी भैया लोगों से कि मेरी ये पांचवी कंप्लेंट है एक्चुअली, कि आगे वाले टायर से चूँ 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 की आवाज़ आ रही है। अब डलेगा इसमें 1.8 लीटर, याद रखिए 1.8 लीटर ऑयल डलता है इसमें आपकी क्लासिक 350 में, नई वाली जो है, पहले वाली में भी इतना ही डलता था लेकिन मेरा काम है आपको बताना 1.8 लीटर। अब हो रही है हमारी जो है चेन ल्यूब हो रही है कुछ इस तरीके से, जब हम भी ट्रिप पे जाया करेंगे ना तो हमें भी अपनी चेन को इसी तरीके से क्लीन और ल्यूब करनी पड़ी करेगी। तो करीब 1.25 घंटा लगा, लगभग सारी सर्विस हो गई, बस अभी धुलनी बाकी है, उसके बाद ये गाड़ी मुझे हैंडओवर कर देंगे। काफ़ी गंदी हो रही है लेकिन सर्विसिंग बढ़िया से की, अच्छे हैं यहाँ पे पीआर मोटो पे, मुझे तो अच्छी सर्विस मिली, आपको कैसी मिली मुझे बताना। और मेरे जो भी प्रॉब्लम्स थे ना वो बहुत सारे एक्चुअली सीरियस थे, मुझे लगता है आपको पता होने चाहिए कि रॉयल एनफील्ड में ये वाले प्रॉब्लम आते हैं, आ सकते हैं। तो अपनी डुग्गू जो है वो जा रही है वॉश होने, बहुत बढ़िया, वॉश होने के बाद क्रोम गाड़ी बहुत खूबसूरत लगती है। चलो डुग्गू की पहली ऑफिशियल वॉशिंग, बहुत बढ़िया, चमक जाएगी भाई। बहुत दिन से मैं इसे चला रहा था धूल वगैरह में, कपड़े से मारो लेकिन एजेस तो कहाँ फुल हो जाते हैं ना, एजेस पे तो होता ही है। मेरे को तो देखना है जब टंकी पे पानी पड़ेगा ना भाई साहब, एक टंकी पे और दूसरा विंडशील्ड पे, चमक जाएगी, मज़ा आ जाएगा। इंजन बे बहुत बढ़िया, भैया जो है हमारे इंजन बे को बड़े अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, ये अच्छा लगा मुझे देख के, यहाँ कायदे से क्लीनिंग हो रही है गाड़ी की, ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सीट हो गई, अब देखो टंकी पे पानी पड़ गया ना, ये देखो चमक गई गाड़ी की टंकी, बकाल। प्रॉपर जो है माइक्रोफाइबर से नए कपड़े से गाड़ी पोछी जा रही है, तो ये तो भैया बहुत बढ़िया है कि रॉयल एनफील्ड वाले इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि आपकी गाड़ी पे धुलते हुए स्क्रैच वगैरह ना पड़े। थम्स अप। हर हर महादेव। डुगू हो गई सर्विस, बज रहे हैं 12:30, चलिए घर चला जाए। भाई लोगों बड़े अच्छे थे, हमें चेन ल्यूब किट भी दे दी इन लोगों ने, ये भी सही है ताकि आप अपनी गाड़ी को जब आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो मेंटेन कर सको, ये भी बढ़िया काम है। आहा, एकदम स्मूथ चल रही है डुगू, मज़ा आ गया भाई साहब। तो जब हम निकले थे तो हमने 4-5 इश्यूज डिस्कस किए थे जो मैं डुगू में फ़ेस कर रहा था, जिसमें एक तो सबसे मेजर ये था कि जो हैंडल था वो एकदम से ऐसे ऐसे हुआ था, तो पता लगा वहाँ पे एक स्क्रू लूज था, ठीक है। दूसरा, ये जो हमारी विंडशील्ड है, आप देखो अब कोई प्ले नहीं है इसमें, तो जिन भी भाई साहब ने इनकी एक्सेसरीज़ लगवाई थी हमारे मोहित भैया ने, वो उन्होंने ये वाले कनेक्शंस ढीले करे थे, तो इस पर प्ले था, अब कोई प्ले नहीं है, ठीक है। अब तो मतलब आके इस पर सांड बिठ जाओ ना तो भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उसके अलावा जो गियर फिट नहीं हो रहा था, तो जो हमारा क्लच वायर है वो ढीला थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, वो इशू था। उसके अलावा मैंने नोटिस करा था कि हेडलाइट का थोड़ा सा जो थ्रो है वो ऊपर नीचे हो रहा था, तो वो भी उन्होंने सही करा, हेडलाइट को रीएडजस्ट करा, रिपोजिशन करा। हमारे फॉग लैंप्स को थोड़ा सा मैंने रीएडजस्ट करवाया, मतलब सही थी रोशनी वगैरह सब फर्स्ट क्लास था, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे रहा था, मुझे थोड़ा और आगे चाहिए था ताकि मैं और थोड़ा सा कम्फर्टेबली दूर चला सकूँ।
तो थोड़े से वो कुछ चंद मिलीमीटर ये रीएडजस्ट हुए हैं। ओवरऑल गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है। चेन का भी अब हमें पता लग गया कि कितने प्ले पे चेन जो है टाइट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी और कितने प्ले पे हम कह सकते हैं नहीं अभी चेन ठीक है। पर एक और इशू जो एक इशू के साथ ही रिजॉल्व हो गया, वो जो हैंडल हिल रहा था और जो मेरे को हाथ में यहाँ पे दर्द हो रहा था ना, रेड हो रहा था, वो वाला इशू, क्योंकि इस साइड का जो स्क्रू है वो थोड़ा ज़्यादा ढीला था, तो बैलेंस बनाने के लिए जो मेरा मसल कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पे राइट हैंड पे ज़्यादा ज़ोर से हैंडल पकड़ रहा था, जिस वजह से इस हाथ पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा था, तो वो वाला इशू भी रिजॉल्व हो गया। तो ये बहुत सही चीज़ें रहीं, हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग गई, बहुत सारी चीज़ें हमने ठीक करवा ली। लेकिन एक बात है कि आप बुलेट जब भी आओगे तो बुलेट के जो मेजर स्क्रूज़ वगैरह हैं उन्हें रीटाइट करवा लो, क्योंकि गाड़ी में जब ये चलती है ना, तो क्योंकि पूरी गाड़ी मेटल की है और मेटल से मेटल टकराता है तो मेटल ढीला होता है, तो ये वाली चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना। सिग्नल हो गया ग्रीन, बस पहुँच गए हम घर, हर हर महादेव। तो सर्विस कॉस्ट तो काफ़ी अच्छा खासा आया, इतनी की मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना आ जाएगा। और आफ्टर देयर क्लेम्स ऑफ फ्री सर्विस, खैर कोई बात नहीं, घर चल के आपको पूरी डिटेलिंग बताता हूँ कैसे क्या कितना बिल आया। तो गाइज जो टोटल सर्विस कॉस्ट आया है गाड़ी का वो आया है 1726 1726 रुपये, जिसमें मैं आपको ब्रेकअप बता दूं कि सीलेंट आए हैं 70 रुपये के, चेन ल्यूब एंड क्लीनर किट आई है 601 रुपये की, चेन ल्यूब एंड क्लीनर किट 500 ml जो वहाँ यूज़ हुआ है वो हुआ है 163 रुपीज़ का, 702 रुपये का लिक्विड गन सेमी सिंथेटिक लगा है, और सर्विस किट लगी है 190 रुपये की, जिसका टोटल होता है 1726। और इसमें अभी लेबर कॉस्ट तो हमारा फ्री था, फर्स्ट सर्विस थी, तो ये याद रखना कि जब आप पहली बार अपनी पहली सर्विस कराने जाओगे क्लासिक 350 की, तो 2000 रुपये की चपत लगेगी आपको। तो भाई जैसे कि आपने देखा, मैंने इस वीडियो में बताए थे 5 मेजर इश्यूज, अगर वो आपने भी फेस किए हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक बात का ध्यान रखना कि आप जब भी जो भी एक्सेसरी अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में लगाओगे उसे डबल चेक कर लेना कि जिस एक्सेसरी वाले लगाए हैं उसने टाइट करे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता था हमारा अगर वो हो जाता तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल पे रॉयल एनफील्ड को ध्यान देना होगा। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना, ताकि हम इस बात को रॉयल एनफील्ड तक आगे पहुंचा सकें और लोगों की मदद कर सकें, लोगों तक ये बात पहुँचे, ताकि वो लोग अपने प्रोडक्ट पर और अच्छा ध्यान दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो से मदद मिली, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नज़र लोगों के साथ, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बाइक चलाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।